नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। झांसी में आज ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें 2022 में संपन्न होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सफलता पाने के लिए रणनीति तैयार की गई। समीक्षा बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी सैयद सादिक अली साहब की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि आतिक मुबीन साहब बुंदेलखंड प्रभारी की मौजूदगी में संपन्न हुई। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि आतिक मुबीन साहब एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुल्तान बेग साहब का गर्मजोशी से स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अलग ही जोश नजर आया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी 2022 का लक्ष्य पाने के लिए सभी बूथ कमेटियां गठित करने पर जोर दिया। अपने अपने क्षेत्र पर बूथ लेवल पर मीटिंग व कमेटियां गठन करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो पहले संगठन को मजबूत करना होगा। सभी संगठित हो जाएं जिससे पार्टी को मजबूती मिले और झांसी शहर में सही विकास करने वाला अपना प्रतिनिधि जनता चुन सके। कहा गया कि हमारा बहुत इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अब सत्ता में हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें 70 सालों में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार, जुल्म और जास्ती का बदला ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आने वाले वक्त में लेगी। वरिष्ठ नेता हाजी सैयद सादिक अली ने कहा, दलित हिंदू मुसलमान का भविष्य AIMIM पार्टी में सुरक्षित है। अब हमको और इस्तेमाल नहीं होना है, हमें ओबीसी साहब के हाथों को मजबूत करना है और 2022 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश फतेह करना है। अलाउद्दीन कुरैशी ने कहा, 7% और 9% वाली पार्टियों के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और हम 22% वाले केवल आज़ादी के 70 सालों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अब हम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। बैठक के दौरान बुंदेलखंड प्रभारी आतिश मुबीन की संस्तुति पर जिला अध्यक्ष सैयद अतर अली द्वारा हाजी सैयद सादिक अली साहब को झांसी विधानसभा प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर यूथ जिला अध्यक्ष सादिक खान, महानगर अध्यक्ष आज़ाद खान, महानगर अध्यक्ष यूथ रईस अहमद, जिला प्रवक्ता बॉबी सिद्दीकी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद फुरकान शालू खान, जिला उपाध्यक्ष समतर हमीद मंसूरी, राशिद खान, अनिल वर्मा, शरीफ खान, राजकुमार, सुनील वर्मा, गोविंद सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष शेख अली अहमद कुरैशी ने किया। अंत में सभी का आभार बबलू आज़ाद व जिला अध्यक्ष सैयद अतर अली ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। आज झांसी जिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिला संगठन की समीक्षा और आगामी विधानसभा के लिए झांसी सदर सीट की समीक्षा खास तौर करने के उद्देश्य से हमें झांसी में आए। क्या लक्ष्य है, कितनी सीटों पर तैयारी है? तैयारी हमारी बुंदेलखंड की 10 सीटों पर तैयारी हम लोग कर रहे हैं और लेकिन अंतिम फैसला हमारे उत्तर प्रदेश सदर का होगा, जनाब स्वागत अली साहब का। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हमारे मुद्दे वही है, 70 सालों से हमारे समाज को हर पार्टी ने वोट तो लिया लेकिन हमारे समाज को उद्धार किसी ने नहीं किया। आप देख रहे हैं 2014 के बाद से मुसलमानों की वो हालत कर दी गई है जैसे जानवरों को मार दिया जाता है, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। हद तो तब हो गई कि अभी कानपुर की ताज़ा घटना है, एक मासूम बच्ची के सामने उसके वालिद को मारा गया। पूरी भीड़ देखती रही। मध्य प्रदेश में आपको देख लीजिए, नहीं घटना हो रही है, कहीं चूड़ी बेचने वाले को मारा जा रहा है। तो ये वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल आवाज़ नहीं है। उस पॉलिटिकल आवाज़ को मजबूत करने के लिए देश से जाएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियों ने जो दलित हितैषी बनती हैं
दलितों के वोट तो लिए लेकिन अपनी तिजोरियां भरी। आज दलितों की स्थिति आज़ादी के बाद से और ख़राब हो गई। अभी देख लीजिए आप नीमच में एक आदिवासी को 5 किलोमीटर लगभग ट्रक में बांधे खींचा गया, क्या कर रही है सरकार? इन सारे मुद्दों को ले जाएंगे आप। दूसरा, बुंदेलखंड में हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड का सूखा, पलायन, किसानों की समस्याएं, आए दिन होती खुशियाँ, ये तमाम मुद्दे हैं। कभी आप जाइए दिल्ली, बॉम्बे या किसी मेट्रो शहर में, आपको रिक्शा चलाने वाले मिलेंगे बुंदेलखंड के, मजदूरी करने वाले मिलेंगे बुंदेलखंड के, चौकीदार मिलेंगे बुंदेलखंड के, क्यों मिलेंगे? क्योंकि सरकारों ने बुंदेलखंड काम किया ही नहीं, छोड़ दिया हमें हमारे हाल में बुंदेलखंड के हाल में। ये मुद्दों ले, सब मुद्दों को लेकर हम सामने आए। गठबंधन की क्या रणनीति? देखिए, गठबंधन हमारा भी कुछ पार्टियों से हो गया है। हमारे सदर साहब ने सभी सेकुलर पार्टियों को दावत दी है कि जो चाहती हैं भाजपा को हराना, वो हमसे अलायंस कर लें। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में आप कई सीटों पर चुनाव लड़े, तो सारी जाति को टिकट देने की बात किसने एक ही जाति को टिकट दो? किसने कहा आपसे ये हमें जाति टिकट दे रहे हैं? हम बुंदेलखंड में ही 3 ब्राह्मण समाज के प्रत्याशियों का आवेदन करा रहे हैं। बुंदेलखंड में 2 दलित समाज के प्रत्याशियों का आवेदन कराए जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पास नाम भी आ जाएंगे वक्त के हिसाब से। बुंदेलखंड में हम एक हमारे ठाकुर भाई है, वो भी आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। बैकवर्ड समाज के भी लोग आवेदन कर रहे हैं। हर समाज को जो ये मानता है कि ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन भारत के संविधान को बचाने के लिए आई है, दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, मजलूमों के, नौजवानों के हक के लिए आई है, जो हमें अपनी पार्टी मानेगा हम उसे टिकट देंगे। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।